हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारे को आज बताऊंगा ये मैं जावास्क्रिप्ट में ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट क्या है बोलो तो, लाइट को तुम ऑफ करे तो ऑफ होगा और लाइट को ऑन करे तो ऑन होगा। इस प्रोजेक्ट को तुम बहुत इजी से बना सकते हैं। मैं ये इस प्रोजेक्ट को क्यों कर रहा है बोलो तो, बिगिनर को मैं कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहता है, बिगिनर को सोचता है, इसलिए मैं बिगिनर के लिए इस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो, मैं इस प्रोजेक्ट को तुम्हारे को दिखाऊंगा इसका। अब मैं टर्न ऑफ करूंगा, यहाँ पर टर्न ऑफ होगा, देखो लाइट टर्न ऑफ हुआ। अब टर्न ऑन करूंगा, लाइट टर्न ऑन हुआ। अब टर्न ऑफ कर रहा हूँ, टर्न ऑन कर रहा हूँ। देखो ऐसे इसको तुम कैसा बना सकते हो। और एक बार मैं टर्न ऑफ कर रहा हूँ, टर्न ऑफ हो रहा। अब ऑन करूँगा इसको, देखो ऑन। अब ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ हो रहा। अब ऑन करूँगा इसको और बार, ऑन हो रहा। और ऑफ करूँगा इसको, हाँ। इसको तुम जावास्क्रिप्ट से कैसा बना सकते हो इस प्रोजेक्ट को। अब देखो, मैं इसका कोड भी दिखाऊंगा तुम्हारे को। इसका कोड इतना है सिर्फ, बहुत ईजी है। मैं चुप चुप वो CSS लिखा हूँ, सिर्फ 30 लाइन का इस कोड है। अब देखो तुम्हारे को दिखाऊंगा इस कोड के बारे में। हाँ, मैं पहले HTML क्रिएट करूँगा यहाँ पर। HTML बॉडी, बॉडी को क्लोज करूँगा और HTML को भी क्लोज करूँगा। और HTML को यहाँ पर एक डिव करूँगा, यहाँ पर डिव। अब डिव को क्लोज करूँगा, मैं ड्यू को क्लोज करूँगा। ड्यू को क्लोज करने के बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं करना चाहता हूँ एक बटन। बटन मेरे को चाहिए, मेरे को क्या क्या बटन चाहिए, मेरे को टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन बटन चाहिए मेरे को। अब देखो, मैं इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन एंड मैं बटन में इसका वैल्यू दे रहा हूँ टर्न ऑफ बोलकर, टर्न ऑफ। हाँ, बस इतना ही दे रहा हूँ मैं। अब पर और एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ये भी बटन ही कर रहा हूँ, बटन कर रहा हूँ। एंड वैल्यू, इसमें वैल्यू में रख रहा हूँ टर्न ऑन। देखो इसमें मैं अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट ऑन ऑफ, इसका मैं सेव कर रहा हूँ, लाइट ऑन ऑफ। हाँ, देखो अब रन करूँगा इस प्रोग्राम को, क्या आएगा। देखो यहाँ पर हमारे को दो बटन दिख रहा है, पर देखो दो बटन दिख रहा है, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन, दो बटन दिख रहा है। अब मेरे को टर्न ऑफ पर क्लिक करे तो एक ओ इमेज आना, टर्न ऑन पर क्लिक करे तो ओ ऑन ऑन होने का इमेज आना। अब कैसे कर सकते हम, मेरे पास दो इमेज है, कौन सा बोलो तो, एक ऑफ बोलकर इमेज है, एक ऑन बोलकर इमेज है लाइट का ही। मैं यहाँ पर तुम्हारे को ड्यू में तुम्हारे को दिखाऊंगा, मेरे पास एक दो इमेज है, इमेज सोर्स बोलकर मैं डाल रहा हूँ, इमेज सोर्स बोलकर। उस इमेज सोर्स में मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा, मेरे पास दो इमेज है, ऑन डॉट PNG का मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा पहले। यहाँ पर देखो ये एक इमेज है, और एक मेरे पास और एक इमेज है, यहाँ पर ही दिखाऊंगा तुम्हारे को इमेज सोर्स ऑफ एंड PNG। ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को, दो इमेज है मेरे पास, मैं रन कर रहा हूँ। हाँ, अब देखो मैं, हाँ, मेरे पास ये दो इमेज है। मैं क्या अब क्या मेरा प्लान क्या करूँगा, ये मेरा मैं ऑफ करे तो ये इमेज शो करना, टर्न ऑफ करे तो टर्न ऑन करे तो ये इमेज शो होना। देखो मैं टर्न ऑफ करे तो ये इमेज शो होगा, टर्न ऑन करे तो ये इमेज शो होना। अब इसको प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं हम, अब देखो मैं सोचेंगे हम कैसे लिख सकते हैं बोल तो। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, जावास्क्रिप्ट में जाकर मैं पहले क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक आईडी, यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में जाकर, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ मैं अब। हाँ, स्क्रिप्ट, देखो स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को क्लोज कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट को क्लोज कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट को क्लोज कर अब मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ। कौन सा फंक्शन बोलते हो, आप फंक्शन बनाना चाहता हूँ, आप फंक्शन बनाना चाहता हूँ, फंक्शन फंक्शन आप बोलकर फंक्शन क्रिएट करूँगा मैं। और फिर आप करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ बोलते हो, यहाँ पर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन में कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में, उस पर क्लिक करे तो ये आप फंक्शन कॉल होना चाहिए, उस पर क्लिक करे तो ये आप फंक्शन कॉल होना चाहिए, उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, अब देखो मेरे को उस पर क्लिक करे तो यहाँ पर डिव है ना, उस डिव में एक इमेज जाना,
उस ड्यू में एक इमेज है ना वहाँ पर उसी ड्यू में। अब मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर देखो, उस ड्यू को एक आईडी दूंगा, उस ड्यू को मैं आईडी दूंगा इमेज बोलकर, इमेज बोलकर एक आईडी दूंगा और यहाँ पर एक दूंगा मैं डॉक्यूमेंट। अब उसको ड्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, उस ड्यू को एक्सेस करने के लिए गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, उसका आईडी क्या है इमेज है, इसलिए इमेज मैं कर रहा हूँ। हाँ आईडी इमेज है और उस आईडी को हमारे को मिलने के बाद मैं इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल में क्या करना चाहता हूँ, एक इमेज टैग मैं ले रहा हूँ इमेज, उसके अंदर आ फंक्शन कॉल होने के बाद ये इमेज फंक्शन चालू होना, इमेज बोलकर इमेज में एसआरसी टैग ले रहा हूँ, एसआरसी टैग में और एक मैं क्या डाल रहा हूँ किधर है एसआरसी, हाँ एसआरसी टैग में मैं क्या डाल रहा हूँ ऑफ डॉट पीएनजी, यहाँ पर ऑफ दिख रहा नाम रखो ऑफ डॉट पीएनजी, हाँ बस इतना ही। अब देखो मैं करूँगा इसको, यहाँ पर दिख रहा ना तुम्हारे को ऑफ डॉट पीएनजी, अब मैं इतना ही कर रहा हूँ। अब मैं टर्न ऑफ पर क्लिक करूँगा क्या आएगा देखेंगे, देखो मैं टर्न ऑफ पर क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं आ रहा क्या, तो हमारे पास यहाँ पर कन्फ्यूज़ होगा, देखो देखेंगे क्या कन्फ्यूज़, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल, हाँ यहाँ पर मैं डबल कोट्स नहीं डालता एंड में। अब देखिए अब मैं टर्न ऑफ पर क्लिक करूँगा वो इमेज आया, हाँ अब टर्न ऑन पर क्लिक करे तो वो इमेज आना ना टर्न ऑन का। अब कैसा करूँगा देखो, अब देखो मैं कैसा करूँगा, अब इसको कोड को ही मैं कॉपी करूँगा, इसको कोड को कॉपी करूँगा, हाँ यहाँ पर मैं डालूँगा इसको, हाँ यहाँ पर ऑन करूँगा मैं, इतना ही ऑन करूँगा, यहाँ पर ऑफ था ना उस इमेज का, मैं यहाँ पर मैं ऑन करूँगा क्योंकि मेरे पास मैं पहले ही इसको सेव करके रखा हूँ, आप बोलकर इस पर ऑन करूँगा मैं, अब ऑन करूँगा इस पर, अब देखेंगे सेव करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर टर्न ऑफ दिख रहा है, टर्न ऑफ पर क्लिक करे तो ये इमेज आ रहा और टर्न ऑन पर क्लिक करे तो इमेज ही नहीं आ रहा, क्या हुआ, इसलिए टर्न ऑन वहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, ऑन क्लिक होने उस पर क्लिक करे तो ये फंक्शन कॉल हो, पर मैं पहले इसको नहीं बताया इसलिए इसको मैं पहले बताऊंगा, उस फंक्शन का नाम क्या है ऑन बोलकर, ऑन फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, देखो ऑन फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, अब देखो अब टर्न ऑफ पर क्लिक करूँगा यार, टर्न ऑन पर क्लिक करते टर्न ऑफ टर्न ऑन टर्न ऑफ टर्न ऑन ऐसा क्लिक करता ऐसा, तुम भी इसको बहुत इजी से बना सकते हो, मैं इसको बहुत इजी से बनाऊँ, सिर्फ कितना लाइन का है देखो यहाँ पर 17 लाइन का है, बहुत इजी है, बिगिनियर के लिए प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसको तुम बनाओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।